नमस्कार, आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम द रिज शो। रिज शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे माई वोट माई वॉइस, यानी कि मेरा मत मेरी आवाज पर। आप जानते हैं कि पूरे देश में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव विभिन्न चरणों में पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में हो रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में सातवें चरण में 1 जून 2024 को मतदान होना है। प्रदेश के मतदाताओं में उत्साह है, उमंग है और वो अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक है। भावुक इसलिए क्योंकि कई मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा में अपना वोट डालने वाले हैं। मतदान महादान है और मतदान के प्रति प्रदेश के मतदाताओं का क्या रुझान है, हम बात करेंगे प्रदेश के मतदाताओं से और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर घूमने आए देश विदेश के पर्यटकों से। आइए जानते हैं क्या रुझान है प्रदेश के नागरिकों का माई वोट माई वॉइस के माध्यम से। दर्शकों, मेरा वोट मेरी पहचान और मेरा वोट मेरा अधिकार। जी हाँ, लोकतंत्र में मतदान अधिकार है नागरिकों का। मेरे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार सिंह। क्या कहना है आपका, क्या सोचकर आप मतदान करने वाले हैं? ये देश का जो हालात पिछले 10 साल में उन्हीं को देखते हुए करेंगे जी। मेरी तो उम्र 66 साल है और मैंने सारी कांग्रेस की सनी 71 के बाद सारी सरकारें मुझे याद है जी। क्या होता था उन दिनों में, कैसा अनुभव है आपका? देखिए, जब 76-77 में कॉलेज में पढ़ता था तब हालात देखे थे हमने जी। ऐसे हालात थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का देखा शासन, नरसिम्हा राव का देखा, चरण सिंह का देखा थोड़े दिन, चंद्रशेखर का देखा, इंद्र कुमार गुजराल जी, मोरारजी देसाई भी थे जी। लेकिन जो पिछले 10 साल में हो रहा है ना, इससे बढ़िया तो पहले था। ठीक है, ये आपका अपना मत है। मैम, महिलाएं इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाली है, तो महिलाओं के लिए क्या खास इस चुनाव में है जिस को सोचकर आप जो मत करने वाले? तो ऐसा है, महिलाओं की जितनी मतलब वो मिली है सिक्योरिटी, सेफ्टी और सारा, मतलब उनको काफ़ी वो दिए गए हैं अधिकार जी। लेडीज़ को पहले कौन पूछता था, कोई पूछता नहीं था। 33% अब जो है आपको स्थान भी मिला है इलेक्टोरल सिस्टम में, तो इसको आप कैसे देखती है? ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है और महिलाओं हर क्षेत्र में आगे हैं ही हैं सब जगह। अब तो महिलाएं आर्मी में देख लो, किसी भी फील्ड में पायलट, ये सब लेडीज को प्रेफरेंस मिलती है। आप एक नारी के नाते आपका क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपको लगता है कि इस चुनाव के माध्यम से आप सरकार की नज़र में या जो प्रत्याशी आपके पास मांगने आएंगे उनके संज्ञान में लाना चाहें? उनके संज्ञान में देखिए, अभी आप सब लोग बहुत बोलते हैं महंगाई महंगाई, हर समय ही महंगाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई हर उस पर होती है, लेकिन अब लोगों की इनकम भी उस हिसाब से बहुत जाता है, ऐसा नहीं है। आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी को भी देखेंगे, ये नहीं है कि हम किसी एक खास पार्टी को देखेंगे। जो प्रत्याशी है उसके भी गुण अच्छे होने चाहिए कि वो देश के लिए कुछ करे जी, अपने देश के लिए कुछ करे। प्रधानमंत्री आपका कैसा होना चाहिए और क्या उससे आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 5 साल में वो महिलाओं के लिए क्या कुछ करें? महिलाओं के लिए तो आगे जो प्रत्याशी है उनको देखना चाहिए कि हर लेडीज को हर प्रेफरेंस मिलनी चाहिए हर जगह हर फील्ड में। प्रदेश का युवा लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक और तत्पर है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं और किस सोच के साथ वो लोकसभा में मतदान करने वाले हैं, जानते हैं। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं अर्की क्षेत्र से निवासी हूँ जी। हमारा वोट जो है सर, एक मुद्दा है युवाओं का, जो है आज के टाइम में कैरियर एक मुद्दा रह गया है। युवाओं को किसी प्रकार का कैरियर नहीं रहा है, युवा का कैरियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कैसे? युवाओं को किसी प्रकार का कोई भी जॉब, हर चीज को प्राइवेट सेक्टर करना, हर चीज को प्राइवेट सेक्टर पर ही पहुँचा देना। और रोजगार आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। आपका सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो खुद भी एक युवा हो, हर युवा वर्ग से मिले, हर युवा वर्ग के बीच में जाए, हर युवा वर्ग को उससे बात करे,
कोई युवा वर्ग की कोई भी प्रॉब्लम है उसको समझे। ये नहीं कि सांसद 5 साल के लिए अगर हमने बना दिया तो वो 5 साल के लिए अपने घरों में बैठा रहे, अपने घरों से बाहर ना निकले, वो ऐसा सांसद हमें नहीं। एक युवा के नाते ही आपके अपने विचार हैं, देश का प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं और कैसा होना चाहिए और क्या उनके मुख्य मुद्दे और बिंदु होने चाहिए? देखिए, देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो जनता के बारे में सोचे, वो किसी प्रकार का मतलब दंगा करवाने वाला जैसे मतलब हिंदू मुस्लिम इस बारे में ना सोचे, वो देश की जनता के बारे में सोचे। महंगाई बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन उस महंगाई को बढ़ते ही मत दीजिए, उस महंगाई को उस स्तर तक जैसे स्तर पर पहुंची है उस स्तर पर सीमित लाने का कुछ लक्ष्य हो करे। हमें उस प्रकार का प्रधानमंत्री देश के युवा को सोचना है। दर्शकों, देश की आधी जनसंख्या नारी शक्ति की है और भारत युवाओं का देश है और युवा नारी शक्ति अभी हमारे साथ हैं। लोकतंत्र के इस उत्सव में क्या सोचकर यूथ महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो मतदान करने वाली हैं, इनके विचार जानते हैं। आपका शुभ नाम? मुस्कान शर्मा। आप? शगुन। आप? सतना शर्मा। क्या करते हैं आप? कॉलेज बीए करते हैं। स्टूडेंट हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटिंग? हाँ जी। क्या सोचकर आप वोट करेंगे, क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके? सर, ऐसा तो मतलब पर ये है कि मतलब जो भी बने, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कोई भी बने, बट ऐसा हो कि उसके लिए मेन हो कि मतलब एक तो अच्छे से विकास होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो फालतू के ये अपने मतलब अपने इसके लिए कि कुछ करते हैं ना, जैसे अभी चलाएंगे कि वोट मिल जाए उन्हें तो अपने अपने ऐसे कुछ अपनी ये करेंगे बढ़ाई वगैरह। फर्स्ट टाइम वोट को लेकर कितने आप उत्साहित हैं? बहुत ज़्यादा सर, मतलब हम भी चाहेंगे कि हम भी अगर थोड़ा सा अच्छा देश के लिए कुछ अच्छा मतलब अच्छा नेता चुनने में अपना थोड़ा। आपका नेता कैसा होना चाहिए एक छात्र के नाते? सर, ऐसा होना चाहिए कि मतलब सब कुछ जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एमपी से आप एज ए स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षण संस्थान है उनमें क्या सुधार होना चाहिए, शिक्षा की नीतियाँ कैसी होनी चाहिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है और स्टूडेंट्स हैं उनको क्या रिकॉग्निशन मिलना चाहिए? सर, ये है ना कि क्या होता है, जैसे होता है मतलब एक होता है ना रिजर्वेशन होती है, मतलब वो ना मुझे लगता है कि वो ऐसे नहीं होनी चाहिए ना कि ओबीसी एससी उस टाइप में नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ना मार्क्स, मतलब मार्क्स अच्छे हो तो वो जनरल का हो चाहे जो भी हो, मतलब कास्ट और कम्युनिटी आधारित रिजर्वेशन के आप खिलाफ हैं और आपका ये मानना है कि टैलेंट को महत्व दिया जाना चाहिए। सर, और जैसे रिजर्वेशन दूसरी भी होती है ना, अब देख लो कहीं पे होता है ना सर कि कुछ सीटें ना रिजर्व होती है, जैसे हमारे वहाँ पे सिरमौर में जहाँ पे हमारे वो है जो उनके लिए रिजर्व है हमारी एस सी एस टी के लिए, तो उनका बच्चा एस सी एस टी का वो ले रहा है, तो मतलब जो ये होना चाहिए ये इकोनॉमी देख के होना चाहिए। ठीक, आपका शुभ नाम? शगुन। शगुन जी, क्या सोच कर आप इस लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाली? पहले तो ये देखेंगे कि कौन अपनी मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे पहले भी कई लीडर्स खड़े हो चुके हैं तो उन्होंने जो इलेक्शन से पहले प्रॉमिसेस किया है क्या वो उनको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। जी, जी, अगर जी, वो कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली लोग उन्हीं को ही वोट करेंगे, बट अदरवाइज ऐसा होगा कि अगर किसी ने पहले कुछ डिमांड्स रखी होंगी लाइक कि हम ये करेंगे वो करेंगे और इलेक्शन के बाद उन्होंने नहीं की तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन लूज करेंगे, तो हम ऐसा देखेंगे कि कौन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, कौन लोगों के लिए काम कर रहा है रेदर देन अपनी पार्टी और अपने बेनिफिट्स के लिए। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो जो वो बनाते हैं उनका संकल्प पत्र वो चुनाव के बाद उसको कितना पूरा करते हैं इस पर भी इसको ध्यान रखते हुए भी आप मतदान करने वाली है। चुनाव कैंपेन के दौरान हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, हम आएंगे ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी ये ऐसा करेंगे और ये हम जो इतने टाइम में करेंगे, ये होना चाहिए आपका क्या मत? somehow वो ठीक है, वो अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए कि लोग उनको क्यों वोट करें या फिर क्यों उनसे इन्फ्लुएंस है इस चीज़ के लिए वो चीज़ जायज़ है, ठीक है वो अपने लेवल पे वो चीज़ करें, बट फिर जनता को ये भी देखना चाहिए कि अगर हमें किसी टाइप का मतलब प्रलोभन वगैरह दिया जा रहा है तो कि वो एक्चुअल में ऐसा बाद में जाके होगा, कि ऐसा ना हो कि अभी हमको प्रलोभन दे के हम इनको वोट कर दें बट बाद में जाके जब वो सत्ता में आ जाए और उसके बाद वो चीज़ मतलब वो एग्जीक्यूशन ना हो, तो उस हिसाब से मेरे साथ मतलब ये लोगों पर भी डिपेंड करता है संभव। अपनी सोच समझ के मतदान करना चाहिए, एक युवा के नाते आप क्या सोचती हैं कि नौजवान को क्या सोचकर मतदान करना चाहिए? बेसिकली फेयर जो इलेक्शन हो, मतलब ये नहीं कि अगर मतलब इन्होंने किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके कि इन्होंने ये चीज़ कर दिया तो हम इसीलिए इनको वोट करें, क्योंकि इलेक्शंस के बाद कोई एक चीज़ नहीं, बहुत सारे वेरियस मतलब मुद्दे होते हैं, तो उनको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को देख कर हमें मतलब अपना लीडर चूज़ करना चाहिए कि हम क्यों इनको चूज़ करें। जी।
संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है और सभी को समान रूप से यह अधिकार प्राप्त है, चाहे पुरुष है या स्त्री है। देश इस समय चुनाव में है और लोकसभा का चुनाव चरम पर है। विभिन्न चरणों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है और हमारे हिमाचल प्रदेश में सातवें चरण में 1 जून को मतदान होना है। प्रदेश में कुछ सैलानी आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? रेणु पाटिल। हाँ, कहाँ से आए आप? हम लोग MP से, मध्य प्रदेश से, इंदौर। ठीक है, क्या सोचकर आप आने वाले चुनाव में मतदान करने वाले, क्या मुद्दे ऐसे लगते हैं आपको जो आने वाली सरकार से आप ये उम्मीद रखते हैं कि पूरे हों? मेन मुद्दा तो रोजगार का है, जो यंगस्टर्स हैं उनको और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए थोड़ी। और सेकंड मुद्दा जो है वो देश का है कि थोड़ा धर्म से हटकर भी देश की प्रोग्रेस के विषय में सोचा जाए। नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी न्याय, इन चीज पर काम होना चाहिए। जी, नारी सुरक्षा के जितनी बातें हैं उतना काम नहीं है एक्चुअल में। फियर तो है वुमेन के लिए, उस पर थोड़ा वर्क होना चाहिए। आने वाली प्लस जो कहते हैं गर्ल चाइल्ड का, तो उसकी पॉलिसीज में थोड़ा चेंज और होना चाहिए। या आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि महिलाओं के लिए किस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा और बेहतर हो सकती है? या थोड़ी और हो सकती है प्रॉपर्टीज में, जैसे बहुत सी जगह पर उतना फेयर डील नहीं है गर्ल्स के साथ में, वो थोड़ी और होना चाहिए, मतलब कानून थोड़ा और मजबूत होना चाहिए उस चीज़ को लेके। जी, लोकसभा चुनाव से देश की सरकार बनेगी और संसद से जहाँ से पूरे देश के लिए कानून बनेंगे, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं और आपका मतदान क्या सोचकर आप करने वाले हैं? एक्चुअली जो करप्शन के ऊपर बोला जाता है, करप्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब वो ग्राउंड रियलिटी देखते हो आप तो हर जगह करप्शन है। हम प्रैक्टिकली उसको फेस करते हैं, वो चाहे राजस्व का हो, कोई भी और डिपार्टमेंट हो, सारे में होता है। हम ऊपर से फेयर ज़रूर बोलते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है। सेकंड है ना, रोज़गार पे बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। जो यूथ है वो उसको केवल आप है ना टोटली धर्म के नाम पर और इस नाम पे नहीं चलाना चाहिए, उसके अलावा भी डेवलपमेंट पे और सारी चीज़ों पे सोचना चाहिए। राष्ट्र मजबूत बने, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ऐसी हो कि दुनिया का कोई भी देश हमारी सीमाओं की तरफ नज़र उठा के ना देखे, सुरक्षा की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या? जैसे अभी तो अच्छा खासा हो रहा है, जैसे जो आप डिफेंस के क्षेत्र में भी जो मेक इन इंडिया में जो काम हो रहे हैं वो भी बहुत बेहतर है वैसे तो। और जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है सारी जगहों पर, उस हिसाब से हम अभी बेहतर कंडीशन में, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से देश से लड़ रहा है तो उसमें हम अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल मानते हैं। थोड़ा सा जो चाइना का जो प्रॉब्लम होता है उसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा फाबो होना चाहिए। एक युवा को मेरे ख्याल से सबसे जो मेन जो आजकल जो बिल्कुल इशू है वो है मतलब बेरोजगारी। तो मतलब बेरोजगारी जो एक समस्या है, मतलब ये सोच के यूथ को जो है वो वोट करना चाहिए। और दूसरा क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट भी इशू है। ठीक है जी, ऑल ओवर मतलब डेवलपमेंट, बाकी आप क्या बोलते हैं शिमला में सड़कों के हाल वगैरह देख लो, बहुत मतलब बुरे हैं। बिल्कुल, जैसा तो, अभी देखते हैं हम पीछे हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी आई, नुकसान हुआ। बिल्कुल, तो ऐसे में आप आने वाली सरकार से प्रदेश के हित में क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह का विकास हो, किस तरह का नीति निर्माण? विकास नीति निर्माण ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो भी मतलब किसी को भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिले तो मतलब उसका अच्छी तरह से मतलब इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि मतलब जैसे बरसात में कोई चीज़ मतलब हमारी ढह जाती है, मतलब इतने मतलब साफ सुथरा काम नहीं हो पाता है, तो इस इन चीज़ों को मतलब मद्देनजर रखते हुए जो है मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए। हमारे लिए हिंदुस्तान में एक नागरिक होने के नाते हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि जो यहाँ पे सरकार बनती है, प्रजातंत्र है यहाँ पे, डेमोक्रेसी सेटअप है, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम जो राष्ट्र के निर्माण में हमारी भागीदारी है। तो मैं हर युवा से, एक अपने साथी से अपील करना चाहूँगा कि ये आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। हर युवा जो है मतदान केंद्र में जाकर मतदान करें, सरकार के जो सरकार बननी है हिंदुस्तान की, उसमें बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और विकास की रास्ता चुने। जी, क्या सोचकर एक मतदाता को, एक युवा को और एक नागरिक को वोट करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो हमें राष्ट्र निर्माण करना है। हमारे पास आज हमारे देश में हजारों मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम उसको लेके, मुद्दों को लेके मतदान करेंगे तो एक स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। जी, जैसे हम देखते हैं कि चुनावी कैंपेन के दौरान तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, तरह तरह के स्लोगन लॉन्च किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ऐसे में आपका मतदाताओं को क्या संदेश है कि वो कैसे इन प्रलोभनों से बचकर एक स्वतंत्र रूप से निर्भय और निष्पक्ष होकर मतदान करें? देखिए, जहाँ तक प्रलोभन की बात है, मैं नहीं समझता कि ये हिमाचल में, हमारे प्रदेश में ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। फिर भी जहाँ तक कि प्रलोभनों की बात है या चुनाव प्रचार की बात है, वो हर एक पार्टी को एक अपने जो मर्यादा में रह के प्रचार करना चाहिए और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के झूठे बहकावे में ना आए, प्रलोभनों में ना आए और एक अच्छे जो जुझारू है, कर्मठ है नेता का चुनाव करें। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं आप? यस। कितनी उत्सुक है, कितनी भावुक है? आई एम वेरी एक्साइटेड दिस टाइम, यस सर। हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, सबको एजुकेशन मिले, गांव-गांव तक जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का जी। अभी के टाइम पे बेरोजगारी उस लेवल पे पहुंच गई है कि जो भी युवा है उनको प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पा रहा है जी। कुछ इंडस्ट्री में मिले या फिर गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ करे तो इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। किसानों को लेके है जी। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो NPS है, OPS है, उसमें भी कुछ तो सुधार करने की ज़रूरत है जी। और सिक्योरिटी के लेके, किसानों को लेके भी कुछ बातें हैं जो कि इस गवर्नमेंट में अभी पूरी नहीं हो पाई है। हो सकता है कि इस बार ये गवर्नमेंट आए या कोई और गवर्नमेंट आए तो पूरा करें, ये हमारी उम्मीद है। लोकसभा चुनाव 2019 की अगर हम बात करें तो प्रदेश में 72.42% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। महिलाओं का योगदान मतदान में और मत प्रतिशत को बढ़ाने में अविस्मरणीय रहा है। 2024 के चुनाव में भी नारी शक्ति न केवल चुनावी कैंपेन में बल्कि इनसे उम्मीद ये भी है कि चुनावी प्रक्रिया में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और सशक्त सांसद और मजबूत सरकार को बनाने में अपना भरपूर सहयोग दे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीमा तोमर है जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं चौपाल की रहने वाली हूँ। शिमला संसदीय क्षेत्र से आप हैं। आने वाला चुनाव में 1 जून को हम मतदान करने वाले हैं 7वें चरण में। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे आपको लगते हैं कि जिसको सोच के आप मतदान में जाने वाले हैं? सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आपका एजुकेशन का ही मुद्दा है, उसको एक ऐसे लेवल पर लिया जाए जिस तरह से ये सबसे मेन सर ये कास्टिज्म के आधार पर आरक्षण ना हो, सबसे मेन चीज़ है। हाँ, गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या किसी और वजह से आरक्षण दिया, क्योंकि बच्चों का बहुत हरासमेंट हो रही है। क्योंकि बच्चा इस वक्त बहुत, युवा वर्ग जितना भी है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो इसका रीज़न यही है कि ये आरक्षण की वजह से ये पिछड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आरक्षण किसी जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हाँ, जातियाँ जब किसी चीज़ को, वर्ग को गलत नहीं माना गया है तो फिर आरक्षण किस बात का है? सही बात है। एक तो आपका कहना ये है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जिससे आगे बढ़ने के अवसर सबको मिले। गरीबी सामान्य जातियों में भी है बिल्कुल, और रोजगार में आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण का मतलब तो ये हुआ ना कि भाई उस जाति को अलग किया गया है, वो अलग करना सही बात नहीं है सर। और कहीं ना कहीं ये चुनाव में भी देखने को मिलता है कि मेरी जात का जो उम्मीदवार है मेरा मत उसी को। ये कोई रीजन है जब आप हर चीज को इक्वल किया जा रहा है ना, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको इक्वल आधार पे वो मिल रहा है तो फिर उनको जाति के आधार पे क्यों बांटा जा रहा है? एक सांसद से आप क्या चाहती है कि महिलाओं के मुद्दों को वो किस तरह से रखकर, क्या आपकी उम्मीद है? हाँ, जो बहुत सारी, वैसे तो महिलाओं के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में वैसे तो बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, मगर उनको आगे लाने के लिए इससे भी और अच्छे बेहतर प्रयास होने चाहिए सर। जैसे कि जिस तरह से मान लो आपके रोजगार के लिए उनको हर चीज़ के लिए आपके किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कहीं ऐसे ना जाना पड़े, उनको एक छोटे लेवल पे भी वहीं पे भी अवेलेबल, जहां आपके गांव है या आपकी पंचायत है, जहां पे भी कुछ है वहां पे भी उनको वो चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल करने या
प्रशासन वहाँ तक जाए और उनकी वो सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इस बहुत सारी प्रॉब्लम्स है गाँव में चली हुई, तो उसको क्लियर करने के लिए वहीं पे जाए प्रशासन और वहाँ से उनको आगे उठने के लिए मौका मिले। नारी सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के संदर्भ में आप क्या कहते हैं? सुरक्षा, हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आज के वक्त में बहुत ज़्यादा इसके लिए सर बेहतर ही होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें कुछ ऐसे सुधार लाए जाए जिससे नारियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो कि भी हाँ वो अपनी खुल के बात कह सके, वो डरे नहीं, झिझके नहीं, उनको ये नहीं लगे कि भी हम पर ही वापस इस चीज़ का अफेक्ट होएगा या फिर समाज में इस तरह की वो चीज़ गलत दिखाई जाएगी, उनको इस तरह से विश्वास दिलाया जाए इस चीज़ का। ठीक है जी। लोकसभा चुनाव में अगर हम देखते हैं युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और युवाओं के मुद्दे भी ज्वलंत तरीके से रखे जा रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन और घोषणाएं और वादे भी प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो चुनावी प्रक्रिया ये पारदर्शी सांसद के चुनाव में सहयोगी हो सकती है या इसके कुछ बुरे परिणाम भी आ सकते हैं? नहीं, जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं को तो आज के वक्त में बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि रोजगार तो ख़त्म है, अब तो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है, जहाँ भी रख रहे हैं आउटसोर्स से रख रहे हैं, युवाओं की तरफ युवा बेकार बेला हो गया, बेकार हो चुका है। तो इसके लिए राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए कि भाई युवा को रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे इनको एंगेज किया जाए या प्रोत्साहन इनको दिया जाए कि भाई अपना ये कोई अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे या फिर कोई ऐसी पॉलिसी बने जिससे कि इनको रोजगार में एंगेज रहिए। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, लोकसभा इलेक्शन की बात है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे राष्ट्रीय मुद्दे, जैसे हमारी इकोनॉमी आज के डेट में 5वें नंबर पर आ गई है, तीसरे नंबर पर आए तो और भी ज़्यादा बढ़िया, राष्ट्रीय पॉलिसी के लिए और भी मतलब बेहतर रहेगा। अच्छा, जो राष्ट्रीय मुद्दे है हमारे जो भी है किसी पड़ोसी देश से लेकर है या कुछ, देखो अभी एप्पल का ही देखो आप, बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा है, सेब इम्पोर्ट हो रहा है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए, नहीं तो हमारा सेब अभी तक पड़ा हुआ है कोल्ड स्टोर में, अभी तक पड़ा हुआ, अभी तक नहीं बिका हुआ हो। बिल्कुल, ये बात बहुत आपने जायज मुद्दा उठाया है। और अभी अभी हमारा सेब जो नो रेट होने वाला है, अभी डिमांड ही नहीं है। अभी मेरी बात हुई परसों चौथी, मेरी बात हुई आरती से चंडीगढ़ में, केवल उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास सेब इतना पड़ा हुआ अभी तक पिछला स्टोर में पड़ा हुआ कि अगस्त तक तो वही चलना है क्योंकि बाहर से इतना भारी, बहुत सारी कंट्री से बहुत सारा सेब आ रहा है और जिसकी वजह से हमारा सेब जो है नो रेट हो रहा है, हमारे सेब की कोई वैल्यू नहीं रह रही। संसद में बागवानों के हितों की, किसानों के हितों की भी बात रखें। हाँ, बात रखें। किसानों और बागवानों के हितों की जो है ना बात, सबसे पहले जो भी हमारा सांसद यहाँ से जीतता है वो संसद में जो है ना सबसे पहले ये मुद्दा भी हमारा रखे, किसान और बागवानों का मुद्दा। ठीक है, आप क्या सोचकर वोट करने वाले? नहीं, हम तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर, और बाकी तो जो हमारा यहाँ का स्टेट का होता है, चलो डेवलपमेंट तो उनके हाथ में भी होती है, तो जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को जो है ना उसको मद्देनजर रखते हैं हम इस बार वोट करें। दर्शकों, मेरा वोट मेरी आवाज के तहत हमने तरह तरह के लोगों से उनके विचार जाने, हिमाचल प्रदेश